तो चलिए हम आज देखते हैं कक्षा 11 मैथ के संकु परिच्छेद नामक चैप्टर के भाग वन में। ये जो चैप्टर है ये कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 12 का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो प्रयोग होगा वो कक्षा 12 के समाकलन के अनुप्रयोग नाम के पार्ट में होगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रयोग है वो कक्षा 12 के कैलकुलस में यूज होता है, या और भी कई सारे क्लास कक्षा 10 में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं दीर्घवृत्त के टाइप में। तो इसमें टोटल और टोटल संघ परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन में टोटल और टोटल चार पार्ट हम पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहला पार्ट है वृत्त, दूसरा पार्ट है परवलय, तीसरा है दीर्घवृत्त और चौथा है अति परवलय, ठीक है ना। सर्कल, पैराबोला और ये इलिप्स, ये हाइपरबोला, ठीक है। इसमें कुछ हो है नहीं, बस केवल और केवल थोड़े ही कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। ये जो वीडियो है ये कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 12 के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका टॉपिक उठा करके लेते हैं वृत्त। वृत्त को क्या कहते हैं? सर्किल। इसमें होता क्या है, वृत्त एक बिंदुपथ होता है, बिंदुओं के द्वारा बनाया गया पथ। तो बिंदुओं के द्वारा बनाया गया पथ यानी कि ऐसे होता है वृत्त। वृत्त ऐसे होता है जो किसी स्थिर बिंदु के से समान दूरी पर हो। ये इसकी स्थिर बिंदु है, यहां पर ये स्थिर बिंदु है। अब इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर वृत्त है। यहां पर स्थिर बिंदु लेंगे तो यहां से कैसे पकड़े, चलिए ऐसे पकड़े। तो यहां स्थिर बिंदु है, इधर से देखेंगे इधर की दूरी सेम, उतनी ही दूरी इधर से, उतनी ही दूरी इधर से, उतनी ही दूरी इधर से। तो ये होता है वृत्त, एक ही तरफ से गोल। अगर आप इधर से भी गोल है और सामने से भी गोल है यानी फुटबॉल जैसी गेंद जैसी, वो होता है गोला। लेकिन ये क्या है? वृत्त। वृत्त क्या होता है? ये किसी बहुत सारे बिंदुओं द्वारा बनाया गया बिंदुपथ होता है, बिंदुओं का पथ होता है जो किसी स्थिर बिंदु को कहा जाता है इसका केंद्र। वृत्त का क्या कहा जाता है? केंद्र। स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। ये दूरियां यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये दूरियां क्या होती है? समान होती है। इन दूरियों को त्रिज्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्याएं। जैसे साइकिल होती, नहीं साइकिल के रिम जो होती है, साइकिल की रिम भी एक तरफ से गोल होती है, इसलिए वो वृत्त हुआ। उसका जो बॉटम होता है जहां फ्री रहती है साइकिल की, फ्री लगाई जाती है ना, जिससे साइकिल को पैडल को घुमाते हैं, चैन का संपर्क होता है, वो फ्री जिससे लगी होती है वो उसका केंद्र होता है। और ऐसे ही वृत्त में इसका केंद्र ये होता है। और जो तीलियां होती हैं साइकिल के रिम की, तीलियां होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। इन्हीं को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो जैसे उसमें तीलियां सभी बराबर होती हैं, वैसे इसमें भी त्रिज्याएं क्या होती हैं? सभी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है। ये क्या है? वृत्त की परिधि। इसे वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि। और ये कितनी होती है? 2πr। एक चक्कर में कोई भी गोल गोल चीज हो, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करोगे? 2πr। r क्या होती है? त्रिज्या, ठीक है ना। वृत्त के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने वाली रेखा, एक छोर को दूसरे छोर से मिलाए, एक छोर को दूसरे छोर से मिलाए, एक छोर को दूसरे छोर से मिलाए, उसे क्या कहा जाता है? वृत्त की जीवा। क्या कहा जाता है? वृत्त की जीवा। तो वृत्त के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। वृत्त का क्या होती है? व्यास। मतलब एक छोर को दूसरे छोर से तो मिलाएगी मिलाएगी, साथ ही साथ वो कहां से होकर के जाएगी? केंद्र से। तो यदि वृत्त के केंद्र से कोई जीवा जा रही है तो वो जीवा सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। उस बड़ी जीवा का नाम क्या होता है? व्यास होता है। तो कितने सारे व्यास हैं? ऐसे बहुत सारे, अनंत हो सकते हैं। ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी है व्यास। तो ये सभी क्या है? आपस में व्यास है। और जो व्यास होता है
वो देखेंगे कितने त्रिज्याओं के बराबर व्यास को डी से लिखा जाता है डायमीटर। तो ये हमारा है केंद्र और ये क्या है त्रिज्या एक और ये भी क्या है त्रिज्या है। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। तो इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो एक छोर से दूसरे छोर को मिला रहे हैं ये रेखा की नहीं मिला रही और केंद्र से होकर जा रही, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा व्यास। तो साइकिल की दो तीलियों को मिलाएंगे यदि आपस में तो कितने व्यास का निर्माण करेगी एक। तो इसीलिए व्यास जो होता है वो कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है दो त्रिज्याओं से। तो इसीलिए व्यास बराबर सूत्र हो जाता है दो गुणे त्रिज्या। तो ये इतनी चीजें हमें जाननी पड़ती हैं कि केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होती है, जीवा क्या होते हैं और भी सारी बहुत चीजें हैं, ठीक है, वृत्तखंड क्या होते हैं, त्रिज्यखंड क्या होते हैं। इन सभी चीजों को हम आज नहीं देखेंगे, उन्हें हम फिर कभी देखेंगे। कक्षा 9 का टॉपिक 10 का टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक केवल वृत्त है। वृत्त का समीकरण क्या होता है, जब केंद्र उसका हमें ज्ञात हो, त्रिज्या ज्ञात हो, तब हम उस वृत्त का समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं वृत्त के समीकरण। तो चलिए हम देखते हैं कि वृत्त के समीकरण, तो वृत्त के समीकरण 4 से 6 समीकरण बनाए जा सकते हैं विभिन्न प्रकारों से। तो उनमें से सबसे पहला है हमारा कि जब वृत्त का हमें क्या दिया जाए केंद्र, यहां वृत्त के केंद्र को क्या माना गया है सी, केंद्र के एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना एच और वाई का कितना है के और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है आर, यानी कि ये एक चतुर्थांश बना हुआ है। इस चतुर्थांश में हमने एक वृत्त ले लिया है, इस वृत्त के निर्देशांक क्या है एच कामा के, यानी इसकी एक्स अक्ष से जो दूरी है x अक्ष के लिए दूरी कितनी है h और y अक्ष के लिए दूरी कितनी है k, ये इतनी दी गई है। और इस समय वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है r, ये वृत्त की क्या होती है त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी, ठीक है ना। तो इस बुक में हम क्या लेंगे c, o इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें जो होता है ये कोऑर्डिनेट में बनाए जाते हैं चित्र, तो इसलिए पहले से ही मूल बिंदु दिया रहेगा तो o उसे हम दे देंगे। तो ये एक मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने होते हैं 0, 0, ठीक है ना। तो वृत्त है, वृत्त का केंद्र कितना दिया गया एच कामा के और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है आर। एच जो है वो आगे वाला एक्स होता है भुज और पीछे वाला वाई होता है यानी कोट। तब क्या होगा इसका समीकरण, जब वृत्त का केंद्र दिया जाए एच कामा के और त्रिज्या क्या हो आर, तब वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या कितनी है r स्क्वायर, ये हो जाएगा वृत्त का समीकरण। अभी इसके क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इसे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जब वृत्त का केंद्र दिया जाए और त्रिज्या दी जाए तब ये समीकरण आएगा। सेकेंड इसी का है, जब जो केंद्र दिया जाए, जब केंद्र क्या हो इसका, वृत्त का केंद्र जो है वो मूल बिंदु हो, वृत्त का जब केंद्र मूल बिंदु दिया हो, ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या दिया गया हो मूल बिंदु हो 0, 0, क्लास 12 वाले ये जरूर देखिए, ठीक है। तो जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, मूल बिंदु मतलब 0, 0, वह त्रिज्या कितनी हो, त्रिज्या कितनी हो, त्रिज्या आर हो। तो जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या कितनी हो r हो, ये वाला सूत्र हम कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर दूरी, ठीक है ना, ये दूरी है r है, ठीक है ना, ये वही सूत्र यहाँ से स्क्वायर हटा के अंडर रूट लग जाएगा, तो ये उसी से मिलकर के ये सूत्र बनाया गया है। तो ये सेकंड इसका क्या है, जब केंद्र दिया जाए एच कामा के तब वो समीकरण बनेगा वृत्त का, और जब मूल बिंदु दिया जाए केंद्र और त्रिज्या दी जाए तब, यहाँ पर ये हमारा है चतुर्थांश, ये क्या है मूल बिंदु है और यहाँ पर इसके चारों ओर क्या दी गई है ये वृत्त दिया गया है, और इस समय इसका केंद्र कितना है, केंद्र यानी ओरिजिन कितना है, मूल बिंदु का ओरिजिन कितना होता है, केंद्र कितना होता है 0, 0, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है केंद्र से परिधि की दूरी r, ये दी गई है। इस समय वृत्त का, वृत्त की जो
समीकरण होगा वो क्या होगा, वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है ना। जब वृत्त का केंद्र क्या दिया जाए, जीरो कामा जीरो और त्रिज्या आर दी जाएगी, तब जो वृत्त का समीकरण है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आएगा। यानी इसमें एच और के की वैल्यू क्या हो गई है, देखो जीरो कामा जीरो, एच की वैल्यू भी जीरो है, के की वैल्यू भी जीरो है, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ पर के की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वाई का स्क्वायर बचेगा बराबर आर स्क्वायर। तो ये इन्हीं दो के ऊपर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम जो दो विभिन्न सूत्र और बचे हैं उनके द्वारा भी वृत्त के समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके इन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि नगीन प्रकाशन बुक की है, यानी कुमार मित्तल की, ठीक है, जो नूतन के नाम से भी जाना जाता है जिसे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर एक त्रिज्या दी गई पांच, केंद्र दिया गया तीन कामा चार। ऐसे ही बी नंबर त्रिज्या अंडर रूट पांच और केंद्र जीरो कामा दो। सी नंबर में त्रिज्या दी गई है दस, केंद्र दिया गया जीरो कामा जीरो यानी मूल बिंदु, और त्रिज्या दी गई है अगले वाले में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और केंद्र ए कामा बी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि जब वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, त्रिज्या को किससे लेते थे, आर से, कितना दिया गया पांच, और केंद्र कितना दिया गया, देखो केंद्र दिया गया तीन कामा चार, तीन कामा चार। केंद्र को किससे लिखा जाता था, एच कामा के से, इसी से तो लिखा जाता था, यही तो है ना, से केंद्र एच कामा के है, त्रिज्या आर हो तो वृत्त का समीकरण यही तो बनता है। यानी वृत्त का जो समीकरण लगेगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस एच की वैल्यू कितनी देखो दी गई है, एच दिया गया तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है, चार का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी दी गई है, पांच, पांच का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये लग जाएगा अगले वाले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वाई है और बी कितना है, चार है, बराबर में पांच का स्क्वायर कितना होता है, पचहम पच्चीस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस तीन तरह की नौ माइनस दो तिहाई छ का एक्स से गुणा छ एक्स प्लस में वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर प्लस चार चौ सोलह हो जाएगा, और चार दूनी आठ, माइनस का आठ वाई से गुणा वाई हो जाएगा, और ये पच्चीस इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा जीरो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्या लिखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इसके जस्ट बाद वाई स्क्वायर माइनस का छ एक्स और फिर माइनस के आठ वाई को लिखेंगे, और सोलह और नौ कितना होता है, सोलह और नौ होता है पच्चीस होता है, तो प्लस का पच्चीस और यहाँ पर माइनस का पच्चीस, ये टोटल कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो समीकरण क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का छ एक्स माइनस आठ वाई बराबर जीरो, ये मिल गया समीकरण, यही क्या हो गया आंसर। सेकंड इसका क्वेश्चन क्या है, सेकंड बी नंबर त्रिज्या कितनी दी गई है, अंडर रूट पांच, और केंद्र कितना दिया गया है, केंद्र दिया गया है जीरो कामा दो, यानी आगे वाला एच पीछे वाला के। समीकरण क्या बन जाएगा वृत्त का, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है, दो का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r की वैल्यू अंडर रूट पांच ऊपर स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर। यहाँ x से जीरो घटाएंगे तो x आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस टू ए बी और बराबर में अंडर रूट पांच का स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस का दो दूनी चार का वाई से गुणा कराएंगे, चार वाई और दो दूनी चार प्लस का पांच इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, या फिर इधर ही चलिए इधर ही कर दे रहे हैं, दो दूनी चार पांच इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर में जीरो। हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के चार वाई और पांच में से चार जाएगा तो माइनस का एक बचेगा बराबर में जीरो। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब त्रिज्या कितनी दी गई है, सी नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है 10 और केंद्र कितना दिया गया है 0.0। 0.0 को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। और जब केंद्र मूल बिंदु हो तब वृत्त का जो समीकरण बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही तो बनता था, केंद्र मूल बिंदु हो तो वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब चौथा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। डी है जो कि त्रिज्या कितनी दी गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और केंद्र कितना दिया गया ए कामा बी, यानी यहाँ पर त्रिज्या हमने लिख दी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केंद्र कितना है एच कामा के जो कि होता है ए कामा बी दिया गया है। ठीक है, समीकरण क्या बन जाएगा, पहला वाला टाइप है वैसे बन जाएगा। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू देखो कितनी है ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है बी का होल स्क्वायर बराबर में आर, आर की वैल्यू त्रिज्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए की वैल्यू वाई, बी की वैल्यू कितनी है बी ही है और बराबर में इधर कितना रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, बचा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इधर प्लस इधर आएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को आगे लिख देंगे और यहाँ कितना बचा टू ए का गुणा एक्स से कराएंगे तो टू ए एक्स हो जाएगा और 2b का गुणा y से कराएंगे तो 2by हो जाएगा और बराबर में क्या बचा जीरो। ये क्या हो जाएगा इस जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे देखते हैं।